आज थोर इंट्रो करेगा हमारे चैनल का। थोरू, हमारे दिन की शुरुआत आज ऐसे हुई है। ये ले, बिस्किट खा रहा है और हेलो वहाँ खाना खा रही है अपना, क्योंकि आपने देखा होगा प्रीवियस व्लॉग में कि मैं अकेला था, मैं थोर और हेला ही है घर पे। अभी थोर को घुमा के लाया हूँ मैं बाहर, और उसके बाद अभी ये थोड़ा सा उदास हो गया, वहाँ बैठ गया था बाहर, तो मैं इसके लिए ट्रीट ले आया। अब देखो कैसे बैठे है। अब वीडियो को हम इस एंगल से बनाएंगे तो ये कैसा लग रहा है, आप खुद देखो, छोटा लग रहा है। और इसके एंगल से बनाएंगे प्रॉपर तो ये देखो भाई, है ना क्वालिटी। बाकी वो तो थोर की पता ही है क्वालिटी क्या है। ये लो थोड़ी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रजित पवार। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। कैसे हो आप सब लोग भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोग कैसे हो और व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। चलो थोरू को दो बिस्किट बनाए, इसको ये खिला दो। सेट सेट थोरू, स्पीक स्पीक। और वो अपना बैठा हुआ है और ये मेरे से नाराज हो गए। ये ऐसे कहता, भाई तूने तो खाना खा लिया और मेरे को नहीं दिया। सो भाई, मैं मेरे भाई को नाराज तो होने दे नहीं सकता, तो मैं मेरे भाई के लिए खाना तैयार कर रहा हूँ। इसके एग्स बॉईल हो चुके हैं और ये पानी में रख दिए मैंने ठंडे होने के लिए। ये इसका फीड है और ये पता नहीं ये फोकस क्यों नहीं रहा। ये इसका फीड है और सिर्फ इसके टेस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चपाती इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के डाल रहा हूँ, ताकि ये इसका मन करता बस ये खा ले। सो मेन इसको अभी फीड मिलने लग रहा है, साथ में अंडे और थोड़ा सा गिल्ला करने के लिए इसको यहाँ पे पनीर वगैरह डाल देंगे। क्या हुआ, कौन आ गया? आंटी आ गई। थोर के अंडे छीलने लग रहा है। और ये वाला जो है ना, ये बर्तन ही थोर का ही है। सो ऐसे मत कहना कि भाई अंडे इसमें डाल रहे हैं मतलब छिलके। सो ये अलग से ही थोर के लिए रखा हुआ है। थोर के ये खाना है, ये अंडे है। सो इसको खाना दूंगा मैं, किस तरीके से दूंगा वो देखना आप लोग। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है कि मैं इसको कैसे देता हूँ, बट आप लोग कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या खाना देते हो, कैसे देते हो। सो मैं इसलिए मैं ये शूट कर, अब मैं जैसे डेली व्लॉग्स तो कर ही रहा हूँ, तो मेरे को प्रॉपर तरीके से आपको एक एक चीज दिखाऊंगा मैं। जैसे कि मैं एक चीज दिखाना रहेगी, ये देखो ये जो दूध था ये मैंने गर्म करा, ये सारा बाहर निकल गया मेरे से। तो मम्मी और बाहर आज है नहीं ना घर पे, तो इस वजह से डांट नहीं पड़ी, बच गया नहीं, मैं डांट पड़ती बहुत जोर से। और थोड़ी वो बैठा, आंटी काम करने लग रहे हैं, आंटी ऊपर का काम करेंगे, तो तब तक मैं इसको खाना खिला देता हूँ। फिर आंटी जब नीचे आएंगे तो हम दोनों ऊपर चल जाएंगे, हेला को भी मैं ऊपर ले जाऊंगा। थोर भाई साहब, आपका आपका आलिशान पकवान आपके लिए तैयार है। यहाँ आपके अंडे रखे हुए हैं, ये आपके फीड है। सो थोड़ी कष्ट करे तो आ जाए। आ थोर चल, आजो आजो भाई साहब आजो। हाँ आजो भाई साहब आजो, पीछे हो पहले, पीछे हो, पीछे जाओ, पीछे जाओ। सब आज सब देख रहे हैं आपको। नो 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 नो, हेलो हेलो हेलो, या उस वाले पैर से सेट 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 सेट। हाँ ऐसी गंदी सी शक्ल क्यों बना रहे भाई, मन नहीं है खाने का। चल आजा ईट। सो दोस्तों इस तरह से मैं इसको खाना देता हूँ, अंडे साथ में नहीं दूंगा इसे, पहले ये पूरा खाएगा, उसके बाद लास्ट में इसे अंडे मिलेंगे, क्योंकि ये अंडों के लालच में पूरा खाना खा लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अपना थोड़ा थोड़ा खाने के मामले में चूजी है। बट मेरा मम्मी ने, माँ तो माँ होती है, वो तरीका उन्होंने ढूंढ लिया है, उन्होंने वो तरीका ढूंढ लिया कि कैसे इसे खाना खिलाए। सो इसका बेस्ट तरीका है, इसको लालच दिया जाता है इसके अंडों का। और इसको इस, अब वैसे डॉक्टर्स तो ये रेकमेंड करते हैं ज्यादा तक जो डॉग्स एक्सपर्ट है, कि भाई दिन में एक टाइम ही खाना देना चाहिए, क्योंकि अभी 1.5 साल से ऊपर का हो गया है ना। तो बट मेरी माँ तो माँ है, माँ का प्यार भाई, वो कहेंगे पूरे दिन में एक बार कैसे खाना, तो इसको पूरे दिन में 2 बार खाना मिलता है। डाइट सेम ही होती है, फीड होती है इसकी, और इसके 5 अंडे होते हैं, मतलब 10 अंडे दिन के है इसके। सो कभी जब अंडे नहीं होते तो चिकन हो जाता है, बट ज्यादातर अभी इसको एग पे ही रख रहे हैं। तो और फीड के साथ जैसे कभी इसको लस्सी दे दी, कभी पनीर दे दिया, या कभी दही दे दी, सो ये चीज चलती है। तो थोड़ा बहुत गीला करना जरूरी है ना, ताकि ये खा ले खाने को। लो भाई कपड़े सुखाने का टाइम आ गया है, मेरे को कपड़े सुखाने का काम मिला है। अभी अभी पापा ने फोन करा है, और मेरे को देखो यार ये वाले पौधे ना बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको यूज़ करेंगे हम। और ये मैंने ना थोड़े से 2-3 टैंक्स देखे थे एक्वास्केपिंग के अंदर, तो उनके अंदर ही अंडर वाटर यूज़ हो रहे थे प्लांट्स। तो ये अगर वही है तो ये पक्का यूज़ करूँगा मैं। सो इसको लेके जाता हूँ
एक बार पहले ये कपड़े सुखा देते हैं और फिर इसका कुछ करते हैं। दोस्तों आज मैंने ना बहुत सारे काम करने थे, मैंने बहुत प्लान करा हुआ था कि मैं आज ये करूंगा, बट कायनात को ये चीज वो मुमकिन नहीं थी, मतलब कायनात ये चीज चाहती नहीं थी। पता नहीं क्या कह रहा हूँ मैं, क्या हुआ एक्चुअली यार, मैंने सोचा पापा ने मुझे कल यूं कहा था कि मैं सुबह हम ना सुबह 11 बजे तक आ जाएंगे, लास्ट 11 बजे तक आ जाएंगे, और अभी पता क्या टाइम हो रहा है, शाम के 5 बज चुके हैं, जो कि आप देख ही रहे होंगे, और 5 बज गए मतलब मेरे सारे प्लान्स वो हो गए। तो किसको भूख रहे हैं, कोई नहीं थोरू कोई नहीं। सो मेरे प्लान्स थे यार कि मुझे कई सारी चीजें करनी थी, कई सारी चीजें आपको भी दिखानी, जिसके आप जवाब भी मांग रहे, बहुत सारी चीजें थी तो मेरे को करनी थी, बट वो मैं नहीं कर पाया आज। सो कल वाले व्लॉग में जरूर करेंगे, बताए रीजन क्या है इसके पीछे। अब 5 बजे तक 6 बजे तक मैक्सिमम यहाँ पे ना डे लाइट होती है, सनलाइट होती है, क्योंकि ठंड का मौसम है, और कोई आए अभी मैं देखता हूँ, ठंड का मौसम है, और उसके बाद फिर अच्छा व्लॉग भी नहीं शूट हो पाता, तो इस वजह से ये मेन रीजन है। अजी आप वाली बिल्ली दिखाना कहाँ है, उठा के दिखाओ, उठा के, वो अजी के पास भी बिल्ली है, तो, क्या नाम है इसका, कोई नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या नाम रखे इसका। हेलो दिखाओ, हेलो देखियो, मस्त है मस्त, ले हेलो को दिखाया मिलाया मैंने, बाकी इसने देखा नहीं होगा। आजा ट्रीट देता हूँ, आजा 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 ट्रीट, ये ले आजा, तेरे को भी दूंगा, रुक जाओ, देखो देखो कि नहीं पता है कि इस ड्रॉअर में ही है, देखो ये थोरी के बिस्किट, थोरी के बिस्किट, रुक जाओ थोरी दूंगा, स्टे, पूरा स्टॉक पूरा है भाई हमारे पास, है लगा, जा भाग जा भाग जा भाग जा 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 मानू की बेइज्जती होगी पापा ठोक देते भी थोर में, कार में घुस गया वो, आजा मानू, फुल मस्त है ये। 5 बज गए, 11 बजे तो मैं सो के उठी थी, देखियो हेला कैसे बैठी है इसके, हेला को ना बुआ जी की बिल्ली से मिलाया मैंने, वहां थी बुआ जी की बिल्ली, वो एक ना स्ट्रे बिल्ली आ गई थी तो फिर बुआ जी ने उसको खाना देने लग गए। कैसे देख रहे हैं, हाँ किसने कहा था यूं खड़ा रहे, आ जाओ ऊपर एक्सप्रेशन पूरे देते, कमांडो डॉगी है ये, वो घर में बूढ़ी औरतें नहीं आती कि आए के ले आई दिखाइयो, ये देखो सारा सामान चेक करती है ये, सुन के देखती और आगे भी बैठी है, और मेरे दीपी भाई की शादी हो रही है, अमरदीप प्रोडक्ट आया भाई, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, वहां मैं डाल रहा हूँ इसके बारे में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम का, तो जरूर प्रोफाइल चेक करो, अच्छे लगे तो फॉलो करना, अपडेट्स वहां पे बहुत सारे हैं। ये देखो भाई ये मानू हैला को लेके आई, और ये देखना कि काली टांग है मानू इसकी मैंने पहले भी बताया था कि खुशी को लाने का क्या रीजन था, और उसको वापस मैंने जिनके पास रखा हुआ है वहां रखने का क्या रीजन था, है ना भाई। चलो वो सारी चीजें हम ना अब नेक्स्ट व्लॉग में ही बताएंगे आपको, हम मतलब मैं ही बताऊंगा, और बट आप लोगों को कईयों को तो ये है कि भाई खुशी पता नहीं किसको दे दी है, कि खुशी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं, मुझे नहीं पता कि खुशी है का। सो भाई इस चीज का जवाब आपको कल खुशी को के साथ ही दूंगा, मैं कल खुशी के पास जा रहा हूँ और खुशी के साथ खेलूंगा, और वहां बैठ के आपको सारी बात बताऊंगा कि खुशी कहाँ है, ठीक है। सो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ, डोंट वरी,
आज ही जाना था, बट आज आपको बताया था मैंने कि क्या हुआ कि पापा लेट आए, तो मैं कल चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना खुशी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जगह पे, और वो खेलती रहती है 24 घंटे वहां पे भी, और मेरा दूसरा घर है वो, वहां पे रखी हुई है मैंने, और वहां बिना ऑफ कैमरा तो मैं वैसे भी जाता रहता हूँ। सो कोई नहीं, बहुत हो गए, मैं बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात आप लोगों ने बनाई हुई है वो, कि आप लोगों ने, सबने नहीं बनाई हुई मुझे पता है, छोटे छोटे बच्चे हैं कई, उनको ऑब्वियसली बात हो भी जाता है कि भाई कहाँ गए, कई तो कह रहे कि उसके साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि मैं आपको कैमरे पे नहीं दिखा रहा, तो आप लोग सोच रहे पता नहीं मैंने किसको दे दी, कोई ना, कल जाऊंगा मैं, कल उसके साथ खेल लूंगा, वहाँ चीजें दिखाऊंगा आपको और चीजों की अपडेट दूंगा। सो कल वाले व्लॉग में खुशी आ जाएगी, टेंशन ना लो, ठीक है, और बताऊंगा कि वो कहाँ है, कैसे रहेगी, सब चीजें बताऊंगा। और अब उसमें भी नेगेटिव सोचना हो तो भाई सोच लेना, बट मेरे को पता है कि वो बिल्कुल सही है, हर चीज, सब चीज सही है, बिल्कुल सही। चलो भाई इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कैसा लगा व्लॉग, ठीक है, और कौन सी मोमेंट अच्छी लगी, वो जो हेला की टांग ऐसे ऊपर उठी हुई थी वो अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है, ओके बाय बाय।